आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कुशीनगर में साइबर अपराध रोकथाम के खिलाफ अभियान, साइबर अपराध करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार। औरैया में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। औरैया में परिवहन विभाग की ओर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में किसानों को किया गया जागरूक। देवरिया में जोरों पर है छठ पूजन की तैयारी, डीएम और एसपी घाटों का कर रहे निरीक्षण। देश भर में छठ पर्व की धूम, मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व की बधाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भोजपुरी में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सूबे की जनता समेत भोजपुरी समाज को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा से प्रदेश में सबके जीवन में खुशी और खुशहाली बनी रहे। नमस्कार, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहने, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। छठ पूजा को आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ का त्योहार खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने छठ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का महापर्व हम सभी के लिए बेहद दिव्य और पूर्ण अवसर है। ये पर्व उत्तर भारत से शुरू होकर अब देश के कई हिस्सों में, अलावा विदेशों में भी मनाया जा रहा है। बता दें कि नगर विकास मंत्री ने लखनऊ में छठ पर्व के अवसर पर तैयारियों का भी कल जायजा लिया था। छठ पूजा का महापर्व हम सबके लिए एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही पुण्य अवसर है। मैं इस पर्व पे सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह पर्व उत्तर भारत से शुरू होकर के अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। इतना ही नहीं, दुनिया के भी कई देशों में हमारे जो भारतीय लोग बसे हुए हैं, वो लोग भी अब इसको अपने अपने ढंग से वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों और सुविधाओं के हिसाब से मनाने लगे हैं। उन सबको मेरी ओर से बहुत ही हार्दिक शुभकामना और बधाई। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में पीड़ित ने विजयनगर थाने से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने गाड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा किया, साथ ही बताया कि आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला भी किया, जिससे लगी चोट की पुष्टि मेडिकल कॉलेज में हो चुकी थी। वहीं थाना में कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बावजूद भी आरोपी को न्यायालय से आसीन से बेल मिल गई, जिसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई, जिस पर एक्शन लेते हुए आईएफओ के फटकार लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे पड़ोसी हैं सुनील और गुल्लू, ये सी ब्लॉक सेक्टर 11 की बात है। उन्होंने रात को आके पहले मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, और फिर जब मैंने उनसे बोला कि टक्कर क्यों मारी, तो उन्होंने मेरे सिर में रॉड मारी। रोड मारने के बाद हमने करी कंप्लेंट, तो उस कंप्लेंट से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज आप एसएसपी गाजियाबाद ऑफिस आए हैं, क्या था पूरा मामला कि जो तो यहाँ ना पड़ा? उस कंप्लेंट पे जब थाने से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं एसएसपी ऑफिस आया, जिसमें एसएसपी साहब ने सपोर्ट किया और आईओ को भी बुलाया था।
सरफराज की गाड़ी में कुछ लोगों टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद इसने उसका विरोध किया, भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन लोगों ने इसकी ना सुनते हुए इसके रॉड और सरियों से पिटाई की, जिससे इसके सर में चोट आई, गंभीर किस्म की चोट आई, जिसका मेडिकल कराया गया, मेडिकल में 8-10 टाके भी आए इसको, 8-10 टाके आने के बाद इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, तो इनका मुकदमा लिखा गया 279, 308, 323 के अंतर्गत। मुकदमा लिखने के बाद भी उसकी अभियुक्त गणों की किसी तरह से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उसके बाद ये पुलिस के चक्कर काटते रहे, फिर पता चला कि आईओ महोदय जो शैलेंद्र गौड़ थे, इनकी केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने क्या काम करा, 308 का विलोपित धारा को विलोपित करते हुए 151 में दोनों पार्टियों का चालान करके भेज दिया। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां आज प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तहसील महमूदाबाद के दो ब्लॉकों में अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चर्चा कराई। उसके उपरांत दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। इस प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए दोनों ब्लॉकों में दो दो उप जिलाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों ब्लॉकों का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स्वयं दौरा किया। बता दें कि पहला ब्लॉक अविश्वास की वोटिंग सरसर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया, वहीं महमूदाबाद ब्लॉक में 65 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग हिस्सा लिया। अविश्वास लाने वाली क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन दोनों ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी खतरे में है। खबर औरैया से है, जहां वाहनों में आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने सदर तहसील परिसर की सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसानों को जागरूक करते हुए यात्री वाहनों से सफर करने की अपील की गई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई गांवों के ग्रामीण ग्राम प्रधान और यातायात विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी कानपुर जनपद में, जिसमें 26 लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी, और वो घटना इतनी दुखद रही, इतनी शॉकिंग रही कि उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये आदेश दिया कि पूरे ही महीने हम लोगों को जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है, और आम जन को किसी भी तरह का आर्थिक दंड ना देते हुए आप सब लोगों को जागरूक करना है। स्पेशली ग्राम जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, और मैक्सिमम लोग ज़्यादातर लोग उसमें अपने ट्रैक्टर का उपयोग जब भी कोई उनका धार्मिक पर्व होता है या फिर धार्मिक वो लोग कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर लोगों को बिठा के चलते हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों को ये अवेयर करना है कि वो इस तरह से गाड़ियों पर लोगों को ना बिठाएं। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर अपराध रोकथाम और साइबर अपराधियों के गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत साइबर सेल स्वाट और पुलिस टीम ने साइबर अपराध करने और कराने वाले गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लैपटॉप, मोटरसाइकिल, अवैध धन और अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। 16 ATM कार्ड हैं, 20 के आसपास आधार कार्ड भी इनसे माध्यम से बरामद किए गए हैं। इनका मूल उद्देश्य ये था कि ये अलग अलग तरीकों से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे, उन आधार कार्ड को कुछ व्यक्तियों के अकाउंट से लिंक कराते थे और उस अकाउंट का यूज़ ये लोन लेने के लिए प्रयोग करते थे। जब वो लोन ले लिया जाता था तो उस अकाउंट से ये पैसा निकाल लेते थे और वो रफू चक्कर हो जाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्थानों पर ATM बदलने का भी काम किया है। जो वृद्ध लोग थे या कोई बच्चे थे उनके पीछे लगकर ATM में धोखाधड़ी करके उनके साथ ATM बदलने का भी कार्य इन लोगों ने किया था। तो इनका इस तरीके से गैंग यहाँ पर सक्रिय था, उसकी गिरफ्तारी कर दी गई और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में गुडाही बाजार के रामलीला भवन में श्री लक्ष्मी पूजा जागरण समिति के तत्वाधान में लक्ष्मी पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस महोत्सव में कई भजनों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही कई कलाकारों ने झांकियां भी प्रस्तुत की, जिसके बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। खबर औरैया के फंफू थाना क्षेत्र से, जहां एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए पीड़िता को रेफर कर दिया था, जिसके बाद रास्ते में ही गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
साथ ही अस्पताल की एक महिला कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद महिला कर्मचारी ने बताया कि युवक के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। वहीं इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि युवक के आरोप निराधार हैं। मामले की जांच की जा रही है, वहीं मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे नहीं देगा, बताया 12 बजे तक बच्चा हो जाएगा, ठीक है 12 बजे तक हो जाएगा, 12 बजे के बाद बच्चा खत्म हो गया। फिर रही मैं रेफर दिया तो एक दिन नहीं पहुंच पाया, मेरा बच्चा भी खत्म, बच्चा नहीं खत्म हो गया था और रास्ते में मेरे नहीं उन्होंने इसका कोई इलाज नहीं किया है, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने नहीं, हम लोग नाम नहीं ले रहे, ये तो जो भी लगा रहा है नाम नहीं, तो वो उनकी ड्यूटी 2 बजे के 4 बजे थी नहीं, उनके 2 बजे पहले ड्यूटी थी, 8 से 2 उनका काम टीकाकरण से संबंधित कार्य है उनका। पहली बात तो मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहती है टीकाकरण में, ठीक है, मेरी ड्यूटी ना तो लेबर रूम में रहती है ना मैं 2 बजे के बाद रहती हूँ, कभी भी मरीज कब आया कब चला गया मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं निराधार गलत लगा रहे हैं, और जिसने भी मेरा नाम लिया होगा उसको किसी ने मेरा नाम बताया होगा या उसने अपने मेरा नाम ना जानता ना मैं उसको जानता नहीं ना वो मुझे जानती। देवरिया में महापर्व छठ पूजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लोग नदी और नहरों के किनारे की सजावट के साथ व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। इसी क्रम में देवरिया डीएम और एसपी भी छठ घाटों का लगातार निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं और घाटों पर किसी प्रकार की घटना न हो इसके लिए प्रशासन काफी मुस्तैद है। वहीं बाजारों में फलों की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं। आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों पे है, और आपको बता दें कि छठ का त्यौहार हिंदू धर्म में काफ़ी प्राचीन त्यौहार है। काफ़ी लोग महिलाएं अपनी व्रत रख के सूर्य को अर्घ दे के अपनी मनोकामना पूरी करती हैं, और छठ का त्यौहार बच्चों के लिए रखा जाता है। वैसे यहाँ कई दुकानदार हैं जहाँ माताएं बहनें यहाँ सामान की खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं, और लगातार हम आपको प्राइम टीवी के माध्यम से यह दिखा रहे हैं कि छठ त्यौहार पे कैसे चारों तरफ जगमग भीड़ प्रकाशमय है। और दुकानदार से हम जानेंगे कि फल में क्या गिरावट है। सर देखिए फल में तो कोई गिरावट नहीं है, फल में जो है केला एक सस्ता है, सेब महंगा है सर, और अनार भी जो है इस समय 160 रुपया चल रहा है, अनार का आगमन जो है नहीं हो रहा है, इस नाते जो है महंगा बिक रहा है। फल व्रती जितने छठ व्रती हैं वो लोग जो है बहुत नॉर्मल तरीके से और बहुत कम पैसे में जो है अपना गुजर बसर करना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से, हम लोग पटरी व्यवसायी हैं और पटरी व्यवसायियों को देवरिया ज़िला में उजाड़ा गया है और सबको हटाया गया है, विकास भवन से लेकर के भटोलिया चौराहे से लेकर के और ओवर ब्रिज तक सभी पटरी व्यवसायियों को हटाया गया है, नो वेंडिंग जोन लगाया गया है, जो कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, देवरिया के जिलाधिकारी महोदय, डीएम आवास से लेकर के और मालवी रोड चौराहा सुभाष चौक तक सबको हटवा दिए हैं। जैसा कि आप जैसा बता रहे हैं कि फल में काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है और लोग खरीदारी में कम बजट में अपना सामान खरीद के ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो है हम लोग की दुकानदारी नहीं चल रही है, और इस समय जो है हटने के कगार से जितनी महिलाएँ व्रती हैं वो सभी आ रही हैं, सभी लोग जो है जोर हैं कि हमारे जो है वो ठेला वाले कहाँ गए, कहाँ से हम सामान खरीदें, औने पौने रेट में जो है लोग बेच रहे हैं, कहीं महंगा बिक रहा है कोई सस्ता बिक रहा है। इस समय सेव जो है 100 रुपए में 2 किलो सेव बिक रहा है, जो कि उस पर भी जो है नहीं बिक रहा है। खबर रायबरेली से, जहां एक युवक ने गांव के ही 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत करते हुए पीड़ित ने बताया कि सिंचाई का पैसा मांगने पर विपक्षियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसके बाद पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हम बुद्धिलाल और मुलायम और तेजू। किस लिए मारा भाई? किस लिए मारा? कौन था? इसलिए मारा, हमारे सिंचाई की 15-20 हज़ार रुपये सिंचाई से हम मांगने गए तो एप्लीकेशन क्यों देने गए आप। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।